ठीक है अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय गेमिंग चैनल। तो यार आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं जीटीए वाइस सिटी। जैसा कि तुम लोग पता होगा, पूरी प्रॉपर्टी भाई साहब आपके भाई की है और ये मैंने मतलब के लास्ट वाले मिशन के अंदर खरीदी थी। तो यार ये मतलब के यहाँ पे बेसिकली है फिल्में मतलब के शूट होती है। तो यार ये हमारा डी स्टेज अभी फिलहाल हमारा काम यहाँ पर चल रहा है, तो आप फटाफट से चलते हैं और मैनेजर से पूछते हैं भाई साहब क्या मतलब कि कोई काम वाम तो नहीं तुम्हें। बाकी फटाफट से आओ। और भाई ये क्या सीन पा रहा है भाई साहब, ये मॉडल मतलब के नाराज़ होकर जा रही है, पता नहीं क्या सीन है इसका। बाकी यार अभी मतलब के मुझे पता ही चला है कि इसका जो पहले का बॉस था ना, वो इसके पीछे पड़ा हुआ है। वो कह रहा है कि तुम मेरे साथ काम करो, इनके साथ काम नहीं को पता नहीं, शायद बॉस जलता है शायद हमसे कि वो ये लड़के हमारे पास काम करिए। ठीक है भाई साहब, तो ये मुझे स्पैरो मतलब कि इन्होंने मतलब के प्रोवाइड करा है मैनेजर ने, तो बोला तुम स्पैरो में बैठ के जाओ और इसका पीछा करो लड़के का, क्योंकि यार इसका जो बॉस है ना बेसिकली उसका मतलब के तीन पार्ट ये है कि वो मतलब कि नज़र बंद है, वो कोई बेसिस बदल के मिलेगा इस लड़की से। अब हमें पता करना कि कहाँ मिल रहे हैं और क्या बात वगैरह हो रही है। फिर अगर हम बात नहीं भी सुने तो फिर यार कम अज़ कम मतलब कि हमें इनका पीछा करना है, मतलब मुझे फ़िलहाल तो इस लड़की का पीछा करना है कि कहाँ जा रही है। और ये भाई साहब कोई आम मॉडल नहीं है, ये बहुत ही मतलब के फेमस मॉडल है, जैसा तो तुम्हें तो पता ही होगा। अभी खैर मुझे इनका पीछा करना है तो मुझे तो टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये लोग भले मुझे देख रहे हैं तो मुझे कोई मसला नहीं है। बाकी जिस बंदे से मिलने जा रहे हैं उसका बॉस से भाई साहब, उसने बहुत ही गलत खतरनाक कांड करे हैं, तो पुलिस की उनके उसके पीछे ही है। तो फिर मतलब कि मुझे उसकी तस्वीर इसके साथ खींच के इन दोनों को ब्लैकमेल करना पड़ा, ताकि ये लोग मतलब के हमारे फिल्म के लिए खतरा नहीं बन सके। आओ फटाफट से इसका पीछा करते हैं, पता नहीं कहाँ पर जाएगी यार ये। अभी तो फिलहाल इसी सिटी में घूम रही है, वाई सिटी के अंदर। अब देखो कहाँ पे जाएगी यार, मैं इसका थोड़ा पीछा कर रहा हूँ, थोड़ा मैं सिल्ले हुई हूँ, पीछे ही हूँ वैसे ही मैं। हाँ ठीक है ठीक है, मेन वाई सिटी के अंदर घुसने वाली वैसे भी ये लड़की। रॉयल ड्राइवर लग रहा है वैसा मुझे, इतनी बड़ी मर्सिडीज़ की लिमोजिन चला रहा है, इसको सही चला ही नहीं रहा है। क्या पागलपन दी कभी वहाँ पर कभी यहाँ पर, भाई साहब रोज देना चाह रहे हैं तो पूछा, तो इनको पता नहीं भाई साहब कि मैं तो खुद एक्सपर्ट हूँ। वो देखो भगाने में लगा, आ गए नहीं कि बंदा पीछे करके ले लें। खैर अब ये लोग मतलब कि ये जो लड़की है ना, ये मेन रोड पर आ गई, तो क्या भले इनको लग कर निकलता है रोड, और ये बहुत मतलब के क्या बोलते हैं, बहुत वो डिमांडिंग रोड है, मतलब डिमांडिंग मेरा मतलब ये कि लोकेशन वाइज बहुत महंगा रोड है, तो बिल्कुल बराबर में मतलब साहिल समंदर है। बाकी बस मुझे इसका पीछा करना है, देखते कहाँ जा रही है उस बंदे को, क्योंकि बंदे की वो तस्वीरें खींचने से मुझे इन लोगों ने कैमरा ही प्रोवाइड करा। ठीक है अब मैं थोड़ा बहुत आसमान पर चल जाता हूँ, क्योंकि अब मैं थोड़ा करीब हूँ ना इसके। सही वाली बिल्डिंग पर रुकी गया, ये बंदा भाई साहब इससे मिल रहा है, ये बंदी पागल आदमी। एलेक्स के बच्चे मार्था, क्या तू और बनने का बहुत शौक है तेरे को, ये लड़की को खिलवा रहा अपना, लड़की का नाम है मार्था। तो यार औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक है। मुझे याद आ गया सुपरमैन की माँ का नाम अच्छा मार्था। बाकी चलो खैर मिशन के ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं, ठीक है आराम से भाई साहब, आराम से प्यार से, चिंता का बिल्कुल भी नहीं है। मिशन ये हलवा मिशन है, मतलब के टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, मुझे टेंशन फ्री होगी वैसा तस्वीरें खींचनी है, सही है। तो इन लोगों ने मुझे कैमरा दिया है जो कि बहुत ही ख़तरनाक कैमरा है, मैं तुम लोगों को इसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ, उसका रिज़ल्ट कितना ख़तरनाक है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम लोग बीच पे मतलब के देखते कोई लोगों को दिख रहा है हमें, चलो तुम यहाँ से पता ही चलेगा। मैं वहाँ पर उस बिल्डिंग का मतलब तुम लोगों को दिखाता हूँ जूम करके, थोड़ी बिल्डिंग दिख नहीं रही लेकिन मेरे इसका जूम बड़ा ख़तरनाक है भाई साहब। इसने S24 को पीछे छोड़ दिया इस कैमरे ने। अब देखो मैं उसकी मतलब मिसाल के तौर पर तस्वीर लेने की कोशिश करता हूँ, ये देखो देख रहे हो
बाकी बस मुझे यहाँ पे तस्वीर लेनी इनकी। अबे ये लड़के, ये इसने कपड़े कैसे पहने भाई साहब, ये तस्वीर ले ही नहीं रहा टॉमी, पता नहीं क्या सीन पार्ट हो रहा। ठीक है भाई साहब, एक तस्वीर खींच गई है, मुझे बस दो तीन तस्वीरें खींचनी थी जो कि मैं खींच चुका हूँ। मुझे फटाफट से अपने स्टूडियो जाना है बेसिकली, और वहाँ पे मतलब के सीन पार्ट करना है। सीन पार्ट ये हुआ अपना के मैं भाई साहब चले आना, फंस गया भाई साहब गलत जगह, देख रहे हो कितना खतरनाक पुलिस पीछे करी थी। ठीक है जरा फटाफट से यार स्टूडियो जाते अपना, और मैं मैनेजर को ही दे दूँ, वो देख सकते हो भाई साहब तो टॉमी का बच्चा ना कभी कोई हद बहुत करता है, बहुत हद करता है। बाकी अभी मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ ये बहुत सीधा रास्ता है, तो बिना किसी देरी के इसी रोड पर हम जीत कर दूँगा। ठीक है भाई साहब, तो आपका भाई ऑलमोस्ट पहुंच चुका है, अंदर दस आने जल्दी करते हैं। ठीक है भाई साहब, अपना भी मिशन हो चुका है, तो मेरा भी एक काम करते हैं कि आप देखते हो कोई और मिशन का आता है, ऐसे मैं इसके काफ़ी मिशन कर चुका हूँ फिल्म स्टूडियो के। तो मैंने तस्वीरें दे दी, तो फिर भाई साहब वो मॉडल दोबारा हमारे साथ काम करने पर राज़ी है। ठीक है, अब इस मिशन का नाम भाई साहब स्पॉटलाइट, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मिशन है, जो काफ़ी ज़बरदस्त मिशन भी है। तो आओ फटाफट से दूसरे शहर चलते हैं, क्योंकि अभी हमें मतलब के सारा काम होगा दूसरे शहर का, तो हमें मतलब के जाना पड़ेगा अपना। तुम लोगों ने देखा कुछ इनका, क्योंकि बेसिकली तुम लोगों को मालूम होगा हमारी मतलब के फिल्म वगैरह के ऊपर काम चल रहा है, तो हमें मतलब इसकी पब्लिसिटी भी करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। उसके लिए मतलब के मुझे एक बड़ी स्पॉटलाइट को मतलब के अपना ऐड लगाना पड़ेगा, ताकि लोग हमारी फिल्में देख सकें। ठीक है, देख रहे हो उस जगह पे ले आया भाई साहब। ठीक है, तो ये मतलब के जो सीढ़ियाँ ना मैं रास्ते दिखाएगी जहाँ पर हमें जाना है। देखो ये कहाँ पे लेकर आया भाई साहब, ओहो देखो रो भाई साहब कौन सा ऑफिस है भाई साहब, ये ठीक है मुझे लेफ्ट से शायद कहीं जाना है। क्या आवाज़ आई ज़बरदस्त यार, ऐसी आवाज़ अगर वैसे भी आए तो क्या बात है यार, ये बिल्कुल रियल आवाज़ आई थी बाइक की। बाकी यार हम लोग बातें करते करते पहुंच चुके हैं फर्स्ट फ्लोर, पता नहीं कौन से फ्लोर पे ही गया पता नहीं। मेरे सामने क्या चल रही है, क्योंकि मेरे सामने क्या चल रही है, तू मेरे सामने भाग रहा है, चल बचा दो चलो। ठीक है पागल बंदी थी, गिर गया क्या मैं, अच्छा स्मैश तो होता विंडो हुए हुए भाई साहब, तो वही सीन लग रहा है फास्ट एंड फ्यूरियस वाला। हाँ देखा तुम लोगों ने सीन, भाई साहब मैं वही सीन करना है, तो आओ बिना किसी देरी के करते हैं सीन, बंदे को लाना सारे बंदे को क्या उड़ाया मैंने, देखा तुम लोगों ने, ओए होए 700 मिल गए मुझे फालतू के, यार फालतू के नहीं कह सकते लेकिन फिर भी यार। अच्छा जी ठीक है, इसी तरीके से भाई साहब मुझे जंप पे मार मार के आगे जाना, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मिशन, बहुत ज़बरदस्त मिशन है ये, तुम लोग भी करना लाजमी आराम से भाई साहब, जज्बात ही बहुत होता है यार टॉमी। ठीक है, क्योंकि यार जंप थोड़ी बहुत बड़ी भी हो सकती है, तो नॉर्मल जंप मारेंगे। डबल जंप एक साथ मार दिया आपके भाई ने, खैर अपन लोग काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं यार अब तक, क्योंकि यहाँ पे बार जब बंदा गिर गया था, देख रहे हो मैं इतनी सी जगह से गिर गया, तो अभी देखते हैं क्या सीन पार्ट होता है भाई। चढ़ जाना क्या फसले कर रहा हाँ ये चीज़ यार, हर्ट ले रहा वो याद ले रहा, चलो खैर कोई मुश्किल वाली बात नहीं है बस। ठीक ओए हो ये देख रहे हो, वाह क्या गिरा है, क्या गिरा है बंदा, पहले पैसे बंदे को ज़रूर मिले,
बंदा गिरा टाइड है यार। बाकी बस चलो छोड़ो यार, बातें करते करते हम लोग काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं भाई साहब, तुम देख सकते हो। तो कहाँ कहाँ मैं इसको लेके आऊँ लिटरली, वही बोल लोगों को ज़िंदगी साथ खेल लो यार, तुम क्या करें यार, मिशन अगर करना पड़ा है क्या कर सकते। ठीक है, एक सामने भी जम मारनी जो कि थोड़ी बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन कह रहा मैं अपनी बाइक पर भरोसा है, आराम से बेटा आराम से प्यार से। तो ठीक है, अपन लोग बातें करते करते भाई साहब पहुँच गए ऑलमोस्ट, और एक जम सामने मारनी मुझे। ठीक है भाई साहब, अब थोड़ा बहुत मेरे ख्याल थोड़ी ईजी जम्प से मेरे ख्याल से अब तो ले भाई साहब। अच्छा जी, चलो यार ये अच्छा काम हो गया, ये चेक पॉइंट खुला है बेसिकली, अगर तुम लोगों को मालूम नहीं हो इसका कैसे इम्पार्ट है, इसका ये होगा कि यार अगर हम लोग यहाँ से गिरेंगे ना तो अपना मतलब के डायरेक्ट शुरू से नहीं होगा। एक सामने मारनी फटाफट से, वही मार लूँ एक हाँ सामने मारनी, तो भाई साहब फटाफट से यारी जम भी मारते हैं तो चढ़ता है साहब पर बस। ठीक है, मैंने आपका भाई बातें करते करते ऑलमोस्ट पहुँच चुका है शादी जगह पर। अरे हो ये चीज़ भाई साहब, ये हमारा आखिरी स्टेज है मेरे ख्याल से। ये है क्या था, ठीक है आखिरी नहीं अभी आगे वाला आखिरी होगा शायद। अरे हो जंप तुम लोग चेक करो, जंप कैसी लगी, लगी ना एंटीक। अरे भाई साहब बाइक का इंतकाल हो गया, शिट। लो भाई साहब ये देखिए सीन पार्ट है, भाई साहब मेरी बाइक का भी इंतकाल होने वाला है, खैर बचत हो गई। ये क्या बचत है यार, ये क्या पागलपन दी। लो अब यहाँ पर तो कुछ लगा दे। चलो भाई साहब अपन लोग बातें करते करते पहुँच चुके हैं यार अपनी मतलब के लोकेशन पर, और अभी देखो स्पॉटलाइट है ना अपनी, स्पॉटलाइट जो है अजीब सी, ये भी कहीं और मतलब के दिखा रही है। तो आओ फटाफट से इसकी मैं सेटिंग चेंज करता हूँ, उसको हैक करता हूँ। ठीक है देख रहे हो ऐसा, टॉमी ने हैक करके स्पॉटलाइट को खड़ा यहाँ पर लग कर दिया और इस बिल्डिंग के ऊपर हम मारेगा। ओहो ये हमारा सेवो है क्या भाई साहब, मुर्गी ये कैसा वो है यार, ये कैसा लोगो होगा। चलो यार अब बातें करते करते भाई साहब फिल्म छोड़ो भी खत्म, मेरा मतलब ये इसके मशीन सारे ख़त्म हो गए, यहाँ से मुझे रेवेन्यू दो रोज़ाना का $7,000 मिलेगा, तो बहुत अच्छा है जो कि। तो यार इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग आज की वीडियो यहीं पे रखते हैं। तुम लोग देख सकते हो कि अपने मिशन हो चुका है और हम लोग कामयाब भी हो गए स्पॉटलाइट लगाने में। अब मैं इसको फोड़ूँ कुछ भी करूँ मेरी मर्ज़ी, वैसे भी कुछ होगा नहीं क्योंकि ये मतलब रियल नहीं है ऐसी है, तो बस मेरी बाइक ने यार मेरा बहुत साथ दिया है, तो इसी खुशी में बाइक को मैं करूँगा अलविदा। एक मिनट अलविदा को अच्छे तरीके से करूँगा, देख रहे हो इसको कहते हैं पैस अलविदा। बाकी आप क्या ही कह सकते हैं, तो फटाफट से यार वीडियो करते एंड। तो तुम लोग अगर चाहते हो कि इसके ऊपर और वीडियोस आए, तो अभी भी मतलब कि मुझे एक जगह पता चली जो कि मिशन मतलब कि यहाँ पे हम कर सकते हैं, लेकिन उसके मिशन थोड़े बहुत अजीब है थोड़ा बहुत। अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं कर लूँगा कि वो बीच वाला जो पोल पोजिशन वाला क्लब है ना, तुम लोग बताया था वहाँ बेसिकली वो मिशन मतलब के करने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही मतलब कि अजीब मिशन है। चलो खैर मसला कोई नहीं, मतलब कि कोई और गेम प्ले खेलेंगे, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।